रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में हुई पेशी, जन्म प्रमाण पत्र मामले में स्कूल के प्रिंसिपल भी तलब। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने जेल में की है बेटे आशीष से मुलाकात, बाहर निकलने के बाद दिया बयान, बोले कोर्ट में है मामला, टिप्पणी करना सही नहीं। लखीमपुर खीरी जेल में बेटे आशीष से मिले आशीष मिश्रा के पिता। वहीं वाराणसी के श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का वीडियो वायरल हो रहा है, 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि पर हुई थी पूजा। पहली बार श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की तस्वीरें सामने आई हैं, हिंदूवादी नेता गुलशन कपूर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। साल में सिर्फ एक ही दिन काशीवासियों को पूजा की मिलती है इजाजत। बिजनौर के तंजील हत्याकांड में फांसी की सजा का ऐलान, दोषी मुनीर और रयान को कोर्ट ने सुनवाई फांसी की सजा, एनआईए अफसर और उनकी पत्नी की गोली मारकर की थी हत्या। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी, 8 रुपए पेट्रोल और 6 रुपए डीजल पर कम हुई है एक्साइज ड्यूटी, 9.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 7 रुपए प्रति लीटर कम होंगे डीजल के दाम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की जानकारी का, एलपीजी पर भी 200 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा फायदा। 7 जून से होगी उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत, इस बार गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा सत्र, पहले दिन सदन के पटल पर बजट रखा जाएगा। कोर्ट में यमुनोत्री मार्ग राणा चट्टी के पास सड़क की मरम्मत का काम खत्म, गाड़ी की आवाजाही हुई शुरू, बीआरओ ने पूरा किया सड़क का मरम्मत का कार्य। यूपी विधानसभा में विधायकों की डिजिटल पाठशाला में सीएम योगी ने दिया बड़ा मंत्र, कहा जातिवाद से निकले बाहर, सतीश महाना और सुरेश खन्ना ने पेश की मिसाल, हमारी ताकत जनता। अगर उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति सच है तो सुरेश खन्ना 9वीं बार कैसे विधायक बन गए, उनके तो जाति का 1000 वोट भी शाहजहांपुर में नहीं है। हमारे स्पीकर 8वीं बार विधायक बने हैं, इनके जाति का वोट नहीं है, लेकिन फिर भी बन रहे हैं। जन अपेक्षाओं पर कसना, अपने आप को कसना, अपने आप को तैयार करना और फिर उसके अनुरूप जन भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्य को। नए विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा हमारी जवाबदेही जनता के प्रति, जनता के साथ जनप्रतिनिधि का संवाद जरूरी, नकारात्मकता जनप्रतिनिधि को आगे नहीं बढ़ा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन का स्वरूप है, जनता से कुछ भी छिपा नहीं है, सकारात्मक भाव से काम करेंगे तो जनता समर्थन देगी। नए विधायकों को मुख्यमंत्री ने बताया फील्ड में काम करने से मिलती है बहुत जानकारियां, जनभावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है, हमारा हित यही है कि जनता का फायदा। सीएम ने नए विधायकों को सलाह देते हुए कहा है कि विधायकों को बोलने की आदत डालनी चाहिए, जरूरत हो तो रात भर सदन चलाएं, सदन की प्रक्रिया के दौरान मोबाइल बंद रखना चाहिए। सीएम ने कहा कि विकास के लिए सरकारों की दृष्टि होना चाहिए, साथ ही सीएम ने बताया कि हर साल हम आदर्श विधायक चुनेंगे, आदर्श विधायकों को सम्मानित किया जाएगा। हमीरपुर के मोदा इलाके में जिला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क किनारे अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया है, दुकानों के बाहर लगे 3 शेड को भी हटाया गया, एसडीएम और सीओ ने मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई पूरी कराई। भदोही में बाबुली विधायक विजय मिश्रा के भतीजे पर कार्रवाई, नेशनल हाईवे 19 से सटी करोड़ों की जमीन और मकान की हुई कुर्की, 19 मामलों में जेल में बंद है मनीष मिश्रा। सीतापुर के मोहली तहसील में बड़ा गांव में प्रशासन ने चलाया है बुलडोजर, अवैध रूप से भट्टे की बगल पक्की दीवार का हुआ था निर्माण, भट्टे के आसपास की सरकारी जमीन को कराया गया मुक्त। लखनऊ के इंदिरानगर में 10 दिन तक मां के शव के साथ रही बेटी, शव से बदबू आने के बाद पुलिस ने शव को बाहर निकाला, मामला सामने आने के बाद हैरत में है लोग। ज्ञानवापी पर बाराबंकी के भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान, कहा देश में असंख्य मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर बनाई गई है मस्जिद, सर्वे हुआ तो सारे चर्च आएंगे सामने। लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया, एक चिंगारी से आग लग सकती है। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कहा राहुल गांधी बाहर जाकर सिर पैर बिना सिर पैर की बातें करते हैं। मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन लेंगे, इस साल 2 दिन के जापान दौरे पर, 23 मई को जाएंगे जापान, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात होगी। बिहार में बिगड़े मौसम का कहर, आधी और बिजली गिरने से राज्य में 33 लोगों की जान जा चुकी है, सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। असम में बाढ़ राहत कार्यों में मुस्तैदी से काम कर रही भारतीय वायुसेना, MI-17 हेलीकॉप्टर ने बाढ़ के बीच रेलवे स्टेशन फंसे 119 लोगों को बचाया, 454 लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर को तैनात किया। असम के होजाई में बाढ़ के बीच निरीक्षण के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक शिबू मिश्रा, घुटने तक पानी से नहीं चल पाए, इसमें विधायक बचाव कर्मी ने अपनी पीठ पर लादकर पानी पार कराया, विधायक शिबू मिश्रा का भी वीडियो वायरल।
शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बीओ के प्रोफेसर रतन लाल को मिली जमानत। सोशल मीडिया पर लिखे थे विवादित पोस्ट, पोस्ट लिखने के बाद छात्रों ने किया था विरोध। गृहमंत्री अमित शाह का अरुणाचल दौरा, अरुणाचल के तिरप पहुंचे हैं गृहमंत्री। रामकृष्ण मिशन के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में लिया हिस्सा, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए। असम के नौगांव में पुलिस हिरासत में मौत के आरोप के बाद जबरदस्त हंगामा। पुलिस ने सफीकुल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। सफीकुल के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में जमकर तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर टनल हादसे के बाद खूनी नाला के पास रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। अब तक मलबे से 9 मजदूरों को निकाला गया। लापरवाही के तहत केस दर्ज हुआ। हैदराबाद में एक बार फिर से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। 1.5 साल पहले अंतर जातीय विवाह करने वाले युवक की नृशंस हत्या की गई। बाइक सवार अज्ञात लोगों ने युवक को चाकू से गोद दिया। प्रेम विवाह से महिला के परिजन नाराज। दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने लगभग 2.5 घंटे तक अखिलेश यादव से मुलाकात की है। राष्ट्रपति चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। तीसरे मोर्चे पर भी चर्चा की संभावना। सुप्रीम कोर्ट ने वापस वाराणसी जिला कोर्ट भेजा ज्ञानवापी केस। वजू खाने और नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा जारी। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी ज्ञानवापी सुनवाई। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की तलाश तेज। बार बार मोबाइल नंबर बदल रहा है। याकूब कुरैशी का परिवार व्हाट्सएप की डिटेल आने से पहले ही बदल रहे नंबर। भीड़ बने बीच जाने के बावजूद पुलिस के हफ्ते नहीं चल सका। याकूब कुरैशी का परिवार जगह जगह पुलिस दबिश दे रही है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालु की मौत का आंकड़ा बढ़ा। चारों धामों में अब तक 56 श्रद्धालु की मौत हो चुकी है। कल ही 7 श्रद्धालु की जान गई थी। हार्ट अटैक से हो रही है सबसे ज्यादा मौतें। रुद्रप्रयाग में गंभीर रूप से घायल यात्रियों किया जा रहा है एयरलिफ्ट। अभी तक 60 से ज्यादा मरीजों को किया जा चुका है एयरलिफ्ट। कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भाजपा नेता की हत्या में शामिल दोनों फरार आरोपी गिरफ्तार। भोगनीपुर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। संभल में मारपीट और फायरिंग से मचा हड़कंप। बसमोली इलाके में मुंबई ढोल में दो पक्षों के बीच चले लाठी डंडे, गोली पथराव का भी वीडियो सामने आया। आजमगढ़ के बरहद में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ जारी हुआ कुर्की का आदेश। हत्या के मामले में आरोपी है भूपेंद्र सिंह मुंडा। फरार आरोपी के घर पर पुलिस ने चिपकाया कुर्की का। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में सिरफिरों की कठोर। 24 घंटे में 6 कार और 3 दुकानों में लगाई गई आग। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। घर के बाहर कार पार्क करने वालों में दहशत। फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। भाजपा नेता के घर के सामने ठेले पर सामान ले रखी महिला के गले से चेन छीनी गई है। सीसीटीवी में कैद हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। रुद्रप्रयाग में कुंडजोगता बद्रीनाथ हाईवे पिछले 10 दिन से बंद है। नाराज लोगों ने केदारनाथ हाईवे पर लगाया जाम। रोजगार प्रभावित होने से गुस्से में हेलो। बलरामपुर में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद मुख्य बाजार में अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक 3 सिलेंडर फटने से दहशत मच गई। मकानों की दीवारों में आई दरार। गोविंद बाग इलाके का मामला। आजमगढ़ के रुद्र अंडरपास के पास पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बिजनौर के रहने वाले सभी लुटेरे। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ 3 अवैध तमंचे और सोना चांदी बरामद। बरेली के पारसखेड़ा में मौजूद बीएल एग्रो की यूनिट में कूलिंग टावर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने धारण किया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बरेली में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने अवैध बस और टैक्सी स्टैंड के खिलाफ चलाया अभियान। प्राइवेट बसों का किया चालान। बरादरी इलाके में चलाया गया अभियान। बहराइच में भीषण गर्मी की वजह से तेंदुए ने तोड़ा दम। गांव के लोगों ने तेंदुए को किया था वन विभाग को सुपुर्द, लेकिन गर्मी की वजह से तेंदुए की हो गई मौत। नानापारा रेंज के मोहरनिया गांव का मामला। चंदौली के दानापुर ब्लॉक में मौजूद गुरैनी गंग नदी पंप कैनाल पर डीएम ने किया निरीक्षण। कामकाज को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। मथुरा के बलदेव इलाके में ग्राम पंचायत नगला बेर में दो पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों में एक दूसरे पर ईंट पत्थर चलाए गए हैं। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराजगंज में जमीन की रकम के बंटवारे को लेकर देवर ने अपनी भाभी की पिटाई की। पुलिस ने दर्ज किया केस। श्याम देवरुआ इलाके के लक्ष्मीपुर गांव का मामला। मथुरा के वृंदावन इलाके में पैटीज खाने पर एक युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अटल्ला चुंगी चौराहे की घटना। हमीरपुर में चोरों ने सरसों से लदा लोडर लेकर हुए फरार। घर के बाहर खड़ा था सरसों का लदा लोडर। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोंडा में ज्ञानवापी मामले को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने अभद्र टिप्पणी करने पर अशरफ आरिफ खान को गिरफ्तार किया। महुआ कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने सही मुआवजा न मिलने के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। कबरई बांध के लिए ली गई जमीन पर सही मुआवजा न मिलने का लगाया आरोप। मैनपुरी के दीवानी गेट पर महिला को गोली मारी गई है। पति से विवाद के मामले में कोर्ट में चल रहा था केस। पति की महिला को कोर्ट के गेट पर गोली मारने से मचा हड़कंप। मैनपुरी में शासन के आदेश पर गौशाला की जमीन पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन। 40 साल पुराना अतिक्रमण हटाने का प्रशासन ने किया दावा। बुलंदशहर में घर में टांग झांक कर महिलाओं पर पप्तियां कसने वाले मामले को लेकर मारपीट और चाकूबाजी हुई है। मारपीट का वीडियो वायरल।
खुर्जा देहात इलाके के एनएच 91 की वारदात। उन्नाव में रात के अंधेरे में पुलिस नीचे गिरी, बेकाबू रोडवेज पुलिया से नीचे गिर गई, 4 से 5 यात्रियों को गंभीर चोट आई। रुड़की में ठेलियों में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया, ठेलियों पर रखा सामान जलकर खाक हो गया, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हाथरस में संदिग्ध हालत में सड़क किनारे घायल मिले युवक और युवती, स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, युवक अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया। रुड़की में सीएम धामी के निर्देश पर अधिकारियों ने मारा है नगर निगम पर छापा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की अगुवाई में मारे गए छापे में कई कर्मचारी पाए गए हैं नदारद, विभाग में मचा हड़कंप। लोकसभा सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और जन समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि काकड़ी घाट से डोबापुर तक 42 करोड़ की डबल लाइन सड़क को मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया है पिथौरागढ़ का दौरा, राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, राजकीय प्राइमरी स्कूल में भी गए धन सिंह रावत। चारधाम यात्रा पर मंडराए कोरोना का साया, यात्रा के दौरान हुई मौतों में 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। जहरीली हुई है उत्तम सिंह नगर की आबो हवा, नगर निगम की लापरवाही की वजह से बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर, NH 74 के 6 रोड पर मौजूद टंची ग्राउंड में लगी आग से नहीं मिल रही राहत, आग के धुएं से बढ़ा प्रदूषण। उन्नाव में गंजा दूल्हा देखकर दुल्हन ने वारदात बता दी, विग लगाकर दूल्हा दे रहा था धोखा, जयमाल दौरान पोल खोली। देहरादून में पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने लिखे उपन्यास के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, पूर्व डीजीपी ने लिखा है भंवर एक प्रेम कहानी नाम से उपन्यास। नगर के कदीमा में शक्तिगढ़ नगर पंचायत उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार सुनील विश्वास की जीत, निर्दलीय प्रत्याशी को दी चुनाव में मात, 45 वोट से चुनाव। 7 जून से गैरसैंण में शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र, सत्र को देखते हुए शासन स्तर पर तेज हुई हैं तैयारियां, कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब लग जाएगी सत्र पर आखिरी मोहर। मेरठ में शुरू हुई अवैध कॉलोनियों की जमीन दोज करने की कार्रवाई, मेरठ विकास प्राधिकरण कर रहा है कार्रवाई, जोन B2 में 3 अवैध कॉलोनियों की जानी है जमीन दोज। वाराणसी में सिटी कैंप ऑफिस में हुई अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की बैठक, मसाजिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बैठक को बताया है औपचारिक, कहा आने वाले त्योहारों को लेकर हुई चर्चा। वाराणसी के श्रृंगारगढ़ मंदिर में पूजा का वीडियो वायरल हो रहा है, 5 अप्रैल को चैत नवरात्रि पर हुई थी पूजा, पहली बार श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की तस्वीरें सामने आई हैं, हिंदू देवी ने हिंदूवादी नेता गुलशन कपूर का बताया जा रहा है ये वीडियो वायरल, साल में सिर्फ एक ही दिन काशीवासियों को पूजा की इजाजत मिलती है। हिरण का बच्चा है एक घर में दाखिल हो गया, हिरण को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, ग्रामीणों ने वन विभाग को उसकी जानकारी दी, रेस्क्यू कर हिरण को जंगल में छोड़ा। झांसी के झोकन बाग में आया दर्दनाक हादसा, जहां बेटी के साथ स्कूटी सीख रही मां हादसे का शिकार हो गई, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का लाइव वीडियो, दोनों मां बेटी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरैया में रंगदारी नहीं देने पर युवक को बेरहमी से पीटा गया, करीब 24 दबंगों ने सरेरा सड़क पर युवक की पिटाई कर दी, युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, वीडियो 15 मई को बताया जा रहा है, जिसके बारे में पुलिस एक्शन में आई है और युवक को गिरफ्तार किया, साथ ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया। मुरादाबाद में भाजपा नेता दिनेश ठाकुर के बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो सामने आया है, कार से बाइक टकराने के चलते युवकों ने घेरा और भाजपा नेता की जमकर पिटाई की। भाजपा नेता पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप, भाजपा किसान मोर्चा के पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय महामंत्री है दिनेश ठाकुर, कोतवाली सदर इलाके के गंज बाजार की घटना। गोंडा में दो पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गईं, जमीन विवाद को लेकर महिलाओं में हुई मारपीट, कई महिलाओं को चोटें आई हैं। महिलाओं में खूनी संघर्ष का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वजीरगंज इलाके चंदापुरी नगरी का मामला, दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस ने दर्ज किया मामला। लखनऊ में पीटीआई के कल्ली पश्चिम पेट्रोल पंप के मैनेजर और कर्मचारियों की गुंडागर्दी, पेट्रोल भराने पहुंचे कार सवार की जमकर की गई पिटाई, पिटाई की वीडियो अब सीसीटीवी में कैद। गाजीपुर मनिहारी ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो में बच्चे स्कूल झाड़ लगाते नजर आ रहे हैं, आराम से कुर्सी पर आराम फरमाते देख रहे हैं टीचर, बीएसए ने मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। जालौन में झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ हुई है कार्रवाई, अवैध तौर पर बनाई गई दुकानें गिराई गई है, आटा कस्बे की कार्रवाई। लखनऊ में 24 फरवाड़ा सड़क हादसा, खड़ी बस में टाटा मैजिक ने मारी जोरदार टक्कर, ड्राइवर की मौके पर मौत, 15 से 20 लोग हुए घायल। बांदा के मटोद नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों ने किया है विरोध प्रदर्शन, 16 महीने से वेतन नहीं मिलने का लगाया है आरोप, पंचायत अध्यक्ष पर लगाया तानाशाही का आरोप। हापुड़ में सरकार के गेहूं क्रय केंद्रों पर सन्नाटा, 13 अप्रैल को होनी थी गेहूं की खरीद की शुरुआत, 50 दिन में महज 2% खरीद से उठे विभाग पर सवाल। आगरा में सराफा कारोबारी के अपहरण के मामले में आया नया मोड़, झांसी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी में नजर आया सराफा कारोबारी जैसा चेहरा, परिवार ने भी चेहरे पर लगाई मोहर।
बराइच में अवैध टैक्सी स्टैंड और सड़क किनारे मौजूद अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई। डीघा तिराहा हुजूरपुर स्टैंड और महसी रोड स्टैंड के पास कार्रवाई की गई। रायबरेली में 3 साल के भीतर जनित हुआ ओवर ब्रिज। पीएम मोदी ने 3 साल पहले किया था पुल का लोकार्पण। यहां बैरियर डिस्प्लेसमेंट की बात कहकर रोका गया पुल पर ट्रैफिक। इमरान खान का मरियम नवाज को लेकर बयान पर पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का जवाब। कहा इमरान खान महिलाओं को लेकर घटिया बयान देते। पश्चिम जर्मनी में भारी बाढ़ और बारिश ने इसके आए तूफान ने तबाही मचा रखी है। कई चर्च इमारत को नुकसान पहुंचा है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं से हुआ नुकसान। 30 लोग घायल। यूक्रेन सैनिकों के आखिरी जत्थे ने किया आत्मसमर्पण। युद्ध के बीच मरियुपोल में 2439 यूक्रेनियन जवानों ने सरेंडर किया। यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमले का सबसे ताजा वीडियो सामने आया है। खार्किव में रूसी सेना ने उड़ाई है सरकारी इमारत। कई फीट तक उठा धुएं का गुब्बार। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में फैली बीमारी मंकी पॉक्स। 2 हफ्ते में 8 देशों में केस मिलने का दावा। दीपिका ने कांस फिल्म फेस्टिवल में तीसरे दिन लुई वुइटन का रेड गाउन पहना था, लेकिन उनका मैसी हेयर डू यूजर्स को पसंद नहीं आया। हेयर स्टाइल पर ट्रोल हो गई है दीपिका। एक्ट्रेस का मैसी हेयर स्टाइल लोगों को पसंद नहीं आया। कांस के तीसरे दिन रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय की एंट्री काफी शानदार रही। ऐश्वर्या के पहले और दूसरे दिन का लुक भी बेहद शानदार था। तीसरे दिन ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या गौरव गुप्ता के स्कल्प्टेड गाउन में रेड कार्पेट पर नजर आए। 2022 में हिना खान ने एक बार फिर से अपने स्टाइलिश गार्मेंट से फैंस को दीवाना बना दिया। हिना ने कांस के रेड कार्पेट पर ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना है। हिना ने अपने ग्लैमरस लुक से बॉलीवुड डीवा को भी टक्कर दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जो काफी वायरल हो रहा है। गीले बालों में दिशा का ग्लैमरस अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। बेबी डॉल गाना गाकर फेमस हुई कनिका कपूर। 20 मई को अपने मंगेतर गौतम से शादी कर चुकी हैं। कनिका की प्री वेडिंग तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। हल्दी के बाद उनकी अब मेहंदी सेरेमनी की फोटो सामने आई। चैंपियन फिल्म से सनी लियोनी का आइटम नंबर डिंगर बिली रिलीज हो गया है। सनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस गाने के रिलीज की जानकारी शेयर की। बॉलीवुड के अलावा सनी साउथ फिल्मों में भी अपने हाथ आजमा रहे। सिद्धार्थ मल्होत्रा हाल ही में भूल भुलैया 2 की स्क्रीनिंग में पहुंचे, जहां उन्होंने कियारा को देखते ही गले लगा लिया। दोनों की ब्रेकअप की खबरें लंबे समय से चल रही थी। दोनों को एक बार फिर से देखकर फैंस खुश हैं। सारा अली खान से अफेयर की खबरों पर कार्तिक आर्यन ने तोड़ी चुप्पी। इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने कहा, प्रमोशनल नहीं था हमारा लिंकअप। हर चीज प्रमोशनल नहीं होती। लव आजकल 2 में कार्तिक सारा ने साथ काम किया। सोहेल खान की पत्नी सीमा अब अलग हो चुकी हैं उनसे। यहाँ इंस्टाग्राम पर उन्होंने इस बारे में अपडेट भी दिया है। अपने नाम से हटाया है सरनेम। 13 मई को दोनों ने कोर्ट में दी थी तलाक की अर्जी। 1998 में सोहेल और सीमा की शादी हुई थी। राशि प्रोडक्शन ने सनी देओल के बेटे राजवीर देओल के साथ अपनी अगली फिल्म के लिए पूनम ढिल्लो की बेटी पलोमा को फाइनल किया है। एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो की बेटी पलोमा अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर पूरी तरह से तैयार है।